हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी पोईम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। बहुत ही फेमस पोईम है क्योंकि इसके जो पोइट हैं वो भी बड़े फेमस हैं। जिन्होंने लिखी है उनका नाम है विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इनका बड़ा नाम है। सेवन एजेस ऑफ मैन के अंदर आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में इसका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसके अंदर मेन जो आपको यहाँ पे सेवन स्टेज यानी कि सात अवस्थाएं मनुष्य की बताई गई है। आपको इन सातों अवस्थाओं के नाम सबसे पहले याद होने चाहिए। इसके साथ ही दो दो विशेषताएं इन सातों अवस्थाओं की, हर एक अवस्था की एक या दो विशेषताएं आपको याद हों तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स की संभावनाएं बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोएम अपनी द सेवन एजेस ऑफ मैन। सेवन एजेस, एज का मतलब होता है आयु, लेकिन अब यहाँ पे मनुष्य की सात आयु से क्या मतलब होगा। एज का मतलब होता है स्टेज, स्टेज स्टेज का मतलब होता है अवस्था, यानी कि सात अवस्थाएं मनुष्य की। यहाँ पे इस पोएम के अंदर विलियम शेक्सपियर जितने भी मनुष्य यानी कि महिलाएं और पुरुष है इस धरती के ऊपर, उनको एक और इस संसार को एक स्टेज की तरह से कंपेयर करता है। यानी कि पूरा संसार ये कहता है कि एक स्टेज, एक रंगमंच है। आपने देखा होगा स्टेज जहाँ पे नाटक होते हैं और नाटक के अंदर जो वहाँ पे पात्र होते हैं अलग अलग भूमिकाएं करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर यहाँ पे ये कहते हैं कि ये पूरा संसार जो है एक नाटक है, नाटक मतलब रंगमंच है, और रंगमंच पे ये जो पुरुष और महिलाएं जितने भी हैं ये सब यहाँ पे केवल पात्र हैं। तो इस तरह से वो बताता है कि मनुष्य जो होता है वो इस रंगमंच के अंदर, इस स्टेज के ऊपर वो अपनी भूमिकाएं करता है। अलग अलग तरह की उसकी सात भूमिकाएं होती है और उन्हीं सात भूमिकाओं को सेवन एजेस ऑफ मैन कहा गया है। और सात अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में, हर एक अवस्था के बारे में अलग से कहा गया है। तो चलिए हर एक अवस्था को अलग से पढ़ते हैं अपन। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स इज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेज। देखिए इन लाइनों के अंदर सबसे पहले ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज यानी कि ऑल सारा, द वर्ल्ड संसार, स्टेज पूरा संसार क्या है, एक रंगमंच है। पूरा संसार एक रंगमंच है, पूरा संसार एक रंगमंच है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये एक मेटाफर है यानी कि जहाँ पे कंपैरिजन, दो अलग अलग चीज़ों का एक कंपैरिजन किया जाए तो उसको हम मेटाफर बोलते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। ये पूरा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन, और यहाँ पे जितने भी आदमी एंड वुमेन, औरतें, पुरुष और महिलाएं, मेरली, मेरली का मतलब होता है ओनली, ओनली ओनली का मतलब आपको पता, केवल, केवल केवल क्या है, प्लेयर्स हैं। यानी कि प्लेयर्स का मतलब है केवल, यहाँ पे वो पात्र हैं, करेक्ट, खिलाड़ी हैं इस नाटक के, इस रंगमंच के, अलग अलग अपनी भूमिका निभाने वाले हैं प्लेयर्स। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज। एग्जिट्स और एंट्रेंस का मतलब क्या है कि देखिए जहाँ पे भी रंगमंच होता है वहाँ पे आने के लिए जगह होती है पात्र के लिए, करेक्टर के लिए, और फिर उसके निकलने के लिए एक अलग सा दरवाजा होता है जहाँ से एक एक साइड से आएगा दूसरी साइड से हो जाएगा। तब यहाँ पे पोइट जो है वो कहते हैं कि दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज, यानी एग्जिट्स का मतलब जाने के लिए जो रास्ता है वो, और एंट्रेंस का मतलब आने के लिए जो रास्ता है वो। यानी कि पूरा संसार एक रंगमंच है, आदमी और औरतें केवल यहाँ पे पात्र हैं, प्लेयर्स हैं, उन सब के आने और जाने के रास्ते हैं। एंड वन मैन, और एक आदमी इन हिज टाइम, उसके पूरे टाइम में यानी कि उसकी पूरी आयु में,
प्लेज मेनी पार्ट्स, प्लेज प्लेज यानी कि निभाता है, भूमिका करता है, यहाँ पे प्ले मतलब खेलना नहीं है, प्ले का मतलब है भूमिका, तो वो भूमिका निभाता है कितने मेनी पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों के अंदर, पार्ट्स माने हिस्से और मेनी मतलब कई, तो कई हिस्सों के अंदर वो अपनी भूमिका निभाता है और इन्हीं हिस्सों को हिज एक्ट्स, वो जो हिस्से होते हैं उन हिस्सों को बोलते हैं एक्ट्स, उन अलग अलग एक्ट्स को, उन अलग अलग हिस्सों को जिनमें वो भूमिका निभाता है, इस तरह से उसकी 7 एजेज हो जाती है, यानी कि 7 एक्ट्स के अंदर उसकी जो है भूमिकाएँ होती है, तो उनको 7 एजेज का नाम दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ से मैं और आपको संक्षिप्त में समझा दूँ, पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि सारे पूरा संसार एक रंगमंच है, जितने भी स्त्री पुरुष है यहाँ पे, वो केवल और केवल इस रंगमंच के नाटक के पात्र हैं, उनके आने और जाने के, जिस तरह से रंगमंच के रास्ते हैं वो एक आते हैं और जाते हैं, और अपने पूरे जीवन काल में 7 तरीके के एक्ट ये करते हैं, और वही 7 एक्ट 7 अवस्थाएँ हैं, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं के अंदर आदमी अपना जीवन यापन करता है, आता है इस धरती के ऊपर, नाटक करता है, उसको जो भूमिकाएं ईश्वर ने दी है वो करता है, और उसके बाद में वो चला जाता है। तो अपन ये देखेंगे इसमें जो अलग अलग स्टेज जो है उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से स्टेज है, आपको हर स्टेज के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए पहली स्टेज देखते हैं, 8 फर्स्ट, पहली स्टेज क्या है, द इन्फेंट, ये हो गई अपनी पहली स्टेज, द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, पैदा होता ही जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं शिशु, तो सबसे पहली अवस्था हो गई शिशु, ये इसकी अवस्था हो गई पहली मनुष्य की, इन्फेंट। क्या करता है वो, इसकी विशेषताएं क्या है, म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म। म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब होता है चिल्लाना, रोना, है ना, म्यूलिंग एंड पकिंग का मतलब रोना, चिल्लाना, उल्टी करना, इस तरह से कहाँ पे करता है, इन नर्स आर्म, नर्स आर्म, नर्स यानी कि जो उसकी परिचर्या है, यानी कि वो जो उसकी जो दाई है, देख रेख जो करती है, वो उसकी बाहों में, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है ना हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पे जो नर्स उसकी केयर करती है, उसकी बाहों के अंदर, उसकी आर्म्स में, वो जो है उल्टी करता है और चिल्लाता है, रोता है, सबसे पहली उसकी ये भूमिका है, यानी कि इन्फेंट, इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म। उसके बाद में दूसरी अवस्था आती है उसकी, देंद, देंद यानी कि उसके बाद में, वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग स्कूल बॉय। उसके बाद में अवस्था आती है स्कूल जाने वाले बच्चे की, विद हिज सेचल, विद हिज सेचल, सेचल बोलते हैं बैग को, सेचल बोलते हैं बैग को, यानी कि बस्ते को। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग यानी चमकदार, मॉर्निंग यानी सुबह, फेस यानी चेहरा, क्रीपिंग, क्रीपिंग, क्रीपिंग लाइक स्नेल, रेंगते हुए, किसकी तरह, गोंगे की तरह। देखिए आपने जो है गोंगा देखा होगा, ये अपने पैरों के बल चलता है, वो थोड़ा थोड़ा सा रेंगते हुए, यानी कि रेंगते हुए ये अपनी दूरी जो है तय करता है। तब ये जो दूसरी स्टेज होती है, वो कह रहा है कि एक स्कूल जाने वाले लड़के की अवस्था आती है, वो अपना बैग लिए हुए, सेचल माने बैग लिए हुए, चमकते हुए चेहरे के साथ में, गोंगे की तरह रेंगता हुआ, अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा, बिना मन के, उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी उसको कहाँ भेजा जा रहा है, स्कूल भेजा जा रहा है। तो यानी कि पहली अवस्था हो गई इन्फेंट की, जो म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, दूसरी अवस्था हो गई स्कूल बॉय की, जो स्नेल की तरह से रेंगता हुआ, अनविलिंगली, बिना मन के, बिना इच्छा के स्कूल जाता है। उसके बाद में तीसरी अवस्था आती है देन द लवर, उसके बाद में आती है तीसरी अवस्था लवर, साइंग लाइक फर्नेस, साइंग, साइंग का मतलब होता है आहें भरना, आहें भरना, लाइक फर्नेस, फर्नेस बोलते हैं भट्टी, भट्टी या धोंकनी, धोंकनी, भट्टी या धोंकनी, यानी कि तीसरी अवस्था होती है लवर की, जो भट्टी की तरह, धोंकनी की तरह आहें भरता है, विद ए वूफुल बैलड, वूफुल का मतलब होता है जिससे अपनी, वो जो लवर है अपनी प्रेमिका को जो है रिझाने के लिए, उसको मनाने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए, वूफुल बैलड, बैलड बोलते हैं सॉन्ग, सॉन्ग, सॉन्ग माने गीत, उसको अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए वो
वो फुल बैलेड यानी कि उसके गीत गाता है मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, यानी कि उस मिस्ट्रेस आईब्रो का मतलब है उसकी जो श्रीमती है यानी कि जो उसकी प्रेमिका है उसके लिए, वो आईब्रो का मतलब होता है उसकी प्रशंसा में, उसकी आँखों की प्रशंसा में मान लीजिए। वैसे इसका अर्थ यह है कि उसकी जो प्रेमिका है उसकी प्रशंसा में उसको मनाने के लिए वो फुल बैलेड, यानी बैलेड का मतलब होता है सॉन्ग, वो जो है उसको मनाने के लिए गीत गाता है। इस तरह से तीन अवस्थाओं की बात हम कर चुके हैं, सबसे पहले इन्फेंट, दूसरी है स्कूल बॉय, तीसरी है लवर। देखिए उसके बाद में चौथी स्टेज आती है देन ए सोल्जर, चौथी स्टेज आती है सोल्जर, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, अजीब तरह की जो है शपथ लिए हुए, या यूं बहुत सी जगह इसको इस तरह से भी कहा गया है कि अजीब तरह की बातें करते हुए या गलत शब्दों का उपयोग करते हुए इस तरह की स्टेज के लिए कहा गया है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, ओथ का मतलब होता है वैसे स्पेक्ट, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जो है गलत शब्दों का यूज़ करना इसके भाव में भी बहुत सी जगह बताया गया। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और दाढ़ी किस की तरह होती है, बियर्डेड लाइक द पार्ड, तेंदुए की तरह, पार्ड माने तेंदुआ, तेंदुए की तरह से उसकी दाढ़ी होती है। एंड और जीलस इन ऑनर, और जीलस इन ऑनर मतलब जेलस होता है, जेलस, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या किसके मामले में, ईर्ष्या ऑनर सम्मान के मामले में, इज्जत के मामले में ईर्ष्या। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, सडन, सडन मतलब अचानक से, तेज, तेज क्विक माने तेज, तेज अचानक से किसके मामले में, क्वेरल झगड़े के मामले में, यानी कि इज्जत के मामले में सम्मान के मामले में तो ये बहुत फुर्ती रखता है लड़ने में झगड़ा करने में, क्योंकि इसको क्या चाहिए होती है, इसको चाहिए होती है सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक मतलब सीकिंग, सीकिंग का मतलब है चाहना, क्या चाहना, बबल रेपुटेशन, बबल का मतलब आपने बुलबुला देखा होगा पानी के ऊपर जो बुलबुला बनता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, जैसे अपन उसको छूते हैं फूट जाता है, यानी कि क्षण भंगुर, क्षण मात्र की जो प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, इज्जत, उसके लिए ये ईर्ष्यालु रहता है, लड़ने के लिए तैयार रहता है, और यहाँ तक कि इवन, इवन यहाँ तक कि इन द कैनन्स माउथ, इन द कैनन्स माउथ का मतलब कैनन्स बोलते हैं ऐसी जगह जहाँ पे मतलब बारूद वगैरह रखा होता है, यानी कि ये किसी भी खतरे तक, खतरे को लिए जा सकता है, यानी कि बारूद के बारूद की जो सुरंग होती है उसके उससे भी भिड़ सकता है ये इस अपनी बबल रेपुटेशन के लिए। तो इस तरह से देखिए चौथी स्टेज अपनी हो गई है सोल्जर की, जो बबल रेपुटेशन के लिए कैनन्स माउथ तक जाने के लिए तैयार है, और फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ है, क्विक इन क्वेरल है, ये इसकी विशेषताएँ हो गई है। एंड उसके बाद में है देन द जस्टिस, उसके बाद में अवस्था आती है जस्टिस, जस्टिस इन फेयर राउंड वैली, जस्टिस का मतलब न्याय की अवस्था, न्यायाधीश की अवस्था, न्याय की अवस्था बोल लीजिए इसको, इन फेयर राउंड वैली, राउंड वैली का मतलब जिसकी तोंद निकली हुई है, और ये तोंद क्यों निकली हुई है, गुड कैपन लाइंस, गुड का मतलब बहुत शानदार, अच्छा, कैपन, कैपन का मतलब होता है मुर्गे का मांस, केपन का मतलब होता है मुर्गे का मांस, अभी यहाँ पे व्यंग्य है थोड़ा सा कि जो न्याय करता है ना वो मतलब रिश्वत की तरह से उसको रिश्वत मिलती है, यानी कि उसको रिश्वत में जो पैसे मिलते हैं उससे वो बहुत शानदार जो है अपना जो है चिकन मीट वगैरह और ये मांस जो है वो खाता है, मुर्गे का मांस खाता है, और उस कारण से उसके जो है पेट जो है वो बेली जो है, बेली बोलते हैं पेट को, यानी कि तोंद जो है ना वो निकल आई है उसकी। With eyes silver and beard formal cut, और उसकी जो आँखें हैं वो बड़ी गंभीरता से देखती है लोगों को, चीज़ों को, एंड और अपने लेवल के हिसाब से ही, अपने लेवल के हिसाब से ही वो फॉर्मल कट, यानी कि अपनी जो है बियर्ड, बियर्ड बोलते हैं दाढ़ी, अपने दाढ़ी रखता है अपने लेवल के हिसाब से ही फॉर्मल कट रखता है, और ये भरा हुआ है किससे, फुल ऑफ, फुल ऑफ भरा हुआ है वाइज सोच, सोच बोलते हैं कहावतें, बातें है ना, वो बातें करता है, कहावतें करता है, वाइज बुद्धिमान को, यानी वो बुद्धिमानी की कहावतें कहता है, बातें करता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक या नए नए जो है वो इंस्टेंस उदाहरण देता है, उदाहरण देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फुल ऑफ वाइज सोच एंड मॉडर्न इंस्टेंस, ये विशेषता होगी जस्टिस की।
है ना, जस्टिस जो है वो फुल ऑफ वाइज सोच, बहुत ही बुद्धिमान पूर्ण कहावतें और उदाहरण देता है वो। सो ही प्लेज इस पार्ट, और इस तरह से वो अपनी भूमिका निभाते हैं, यानी कि वो मुर्गे का मांस खाता है तो उसका जो है वो पेट बाहर निकला या बेली उसकी जो बाहर आ गई है, और उसके साथ ही वो वाइज सोच बुद्धिमान पूर्वक कहावतें कहता है, उदाहरण देता है, इस तरह से उसकी वो भूमिका निभाता है। ये पाँचवीं स्टेज हो गई है। उसके बाद में देखिए द सिक्स्थ स्टेज, छठी स्टेज आ गई है, छठी स्टेज है इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। लीन का मतलब होता है कमज़ोर सी अवस्था हो गई है, जैसे बूढ़ा आदमी जो हो जाता है ना, उससे जस्ट पहले की स्टेज, लास्ट स्टेज से पहले की स्टेज है, जिसमें बूढ़ा हो गया है, चप्पले पहने हुए है, तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मजाकिया किस्म का आदमी लगता है, जिसको देख के थोड़ा हंसी आती है, मतलब पजामा पहन रखा, ढीला ढला सा, चप्पले पहन रखा, बिल्कुल कमज़ोर सा, तो उसको बोलते हैं पेंटालून, मजाकिया ना, तो वो चप्पले पहने हुए बिल्कुल कमज़ोर सी अवस्था है, वो होती है सिक्स्थ स्टेज विद स्पेक्टिकल ऑन नोज। और जिसमें क्या होगा, स्पेक्टिकल ऑन नोज, स्पेक्टिकल बोलते हैं चश्मे को, चश्मा है कहाँ पे रखा हुआ, नोज, आँख, नाक के ऊपर, नाक के ऊपर जो है उसने चश्मा रख रखा है, पाउच ऑन साइड, और नाक के साइड में जो आँखें हैं उनके नीचे की साइड में पाउच, यानी कि आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो चश्मा पहनते हैं और आँखों के नीचे उनके जो है ना वो मास्क की तरह से आँखें जो है उनका मास्क लटक आता है, तो वो अवस्था है ये छठी स्टेज। इसके अंदर और आगे बताया, हिज यूथफुल होज, यूथफुल जवानी का, यूथफुल जवानी का, होज माने ड्रेस या पजामा, जो उसने वेल सेव्ड बचा के रखा था, ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर इज, अब जो उसने बचा के रखा था उसका ये जवानी का या जो ड्रेसें थी उसकी सारी, अ वर्ल्ड टू वाइड, अब उसके लिए बहुत दूर हो गई है वो बातें, फॉर इज श्रंक सेंक, श्रंक का मतलब है सिकुड़ जाना, सेंक यानी पिंडली, यानी कि अब वो जो ड्रेसें थी ना इसके फिट नहीं आती है, ड्रेसेस जो थी इसके फिट नहीं आती, क्योंकि इसकी पिंडली क्या हो गई है, सरंग हो गई है, सरंग यानी सिकुड़ गई है, बहुत पतली हो गई है, अब उसकी वो ड्रेस जो है ना वो फिट ही नहीं होती है, इसलिए ये बड़ा सा पेंटालून लगता है, मजाकिया लगता है, क्योंकि वो ड्रेसेस के बहुत ही ढीली ढाली सी लगती है, पिंडली पे सेट ही नहीं होती है। एंड इज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड व्हिसल इन इट्स साउंड। और अब देखिए बिग मैनली वॉइस, और जो उसकी आवाज़ थी टर्निंग अगेन, और उसकी जो भारी आवाज़ थी मैनली वॉइस, यानी कि पुरुष जैसी जो आवाज़ थी, टर्निंग अगेन बदल जाती है टुवर्ड्स किसमें, चाइल्डिश बच्चों की जैसे ट्रेबल पाइप्स, ट्रेबल का मतलब था कांपते हुए है ना, पतली आवाज़ में पाइप्स, पाइप मतलब जो है छोटी, वो जो उसकी जो आवाज़ होती है वो छोटे छोटे पाइप की तरह से जो आवाज़ आती है, यानी कि उसकी जो ध्वनि है, साउंड जो है वो ट्रेबल पाइप्स, यानी कि जैसे बोलते हुए इसकी आवाज़ कांपती है, उस तरह की आवाज़ हो जाती है, विसल इन इज साउंड, और उसकी आवाज़ में से अब सीटी बजने लगती है, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जब वो बोलते हैं तो वो हाँफने लगते हैं, कांपने लगते हैं, और उनसे आवाज़ जो है सही नहीं निकलती है, उस वाली स्टेज को कहा गया है पेंटालून स्टेज। एंड और उसके बाद में अब आती है लास्ट स्टेज, इसकी सबसे लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। और अब आता है इन सबसे आखिरी सीन जो दैट एंड्स, जो ख़त्म कर देता है दिस स्ट्रेंज, इस अजीब सी इवेंटफुल हिस्ट्री को, ये जितना भी घटनाक्रम हुआ है, जितनी भी ये घटनाएं हुई है, जितनी भी स्टेज उसने करी है, जितनी भी स्टेज में उसने अपनी भूमिकाएं निभाई है, ये जितना भी इतिहास उसका रहा है, उस इतिहास की घटनाओं को, इन अजीब और गरीब जो इतिहास की घटनाएं हुई है, उन सबको क्या कर देता है, एंड्स कर देती है ये स्टेज, लास्ट वाली। और इस लास्ट वाली स्टेज को क्या नाम दिया गया है, सेकंड चाइल्डिशनेस, यानी कि बचपन आ गया, दूसरा बचपन, बुढ़ापे को दूसरा बचपन कहा गया, यानी बहुत लास्ट की स्टेज है जहाँ पे बिल्कुल बचपन आ जाएगा, वापस बचपना हो जाएगा जीवन में। एंड मेयर ओब्लिवियन, मेयर का मतलब मात्र विस्मृतियाँ, यानी कि भूलने की अवस्था हो गई है, सब कुछ भूलने लगता है आदमी इस अवस्था के अंदर, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, वो सारा अपना जो हिस्ट्री है उसको भूलने लगता है। और क्या होता है, sense, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything, यानी कि sense का मतलब होता है बिना का मतलब है without, बोलते हैं जिसको हम without के बिना, किसके बिना है, अब वो देखिए जहाँ जहाँ भी सेंस आया उसके अगले कर दीजिए, टीथ के बिना यानी कि दांतों के बिना, आईज आँखों के बिना, टेस्ट स्वाद के बिना, सेंस एवरीथिंग
हर चीज़ के बिना, यानी कि उसके दांत जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, आँखों से दिखना बंद हो जाता है, स्वाद का उसको ज्ञान नहीं रहता है, और इस तरह से धीरे 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 वो सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो जाती है, और इस तरह से उसका इस अवस्था का ये जो स्टेज पे उसकी भूमिका थी उसका अंत होता है। तो इस पोएम के अंदर देखिए शॉर्ट रूप में आपको 7 अवस्थाएं जो है ना वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहली स्टेज आपकी कौन सी थी, इन्फेंट। सेकेंड स्टेज थी स्कूल बॉय। उसके बाद में तीसरी स्टेज थी लवर। उसके बाद में चौथी स्टेज थी सोल्जर। उसके बाद में पांचवी स्टेज थी जस्टिस। उसके बाद में छठी स्टेज थी स्लिपर्ड पेंटालून। और उसके बाद में सातवीं स्टेज है सेकंड चाइल्डिशनेस।